हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपका धर्म सर, आप सभी लोगों का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। और बच्चों, मैं आज आपको अब एक्सरसाइज प्रश्नावली 5.1 के क्वेश्चंस को बताऊंगा। इसमें कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची AP है और क्यों है? प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 है और उसके हर किलोमीटर पर 8 रुपया है। क्वेश्चन आपका फर्स्ट है और ये पहला, ठीक है। इसमें ये दिया गया है कि प्रथम किलोमीटर का किराया प्रति किलोमीटर का किराया 8 रुपये। तो 1 किलोमीटर का किराया कितना? ये 15 रुपये। 2 किलोमीटर का किराया बराबर 15 जमा 8 = 23 रुपया। 3 किलोमीटर का किराया, इसमें आगे और जुड़ जाएगा, हर किलोमीटर पे 8 रुपया जुड़ेगा, 31 रुपया। 4 किलोमीटर का किराया आपका हो जाएगा 15 + 8, पहले किलोमीटर का या उसके हर किलोमीटर पे 8 रुपये बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो श्रेणी जो बन गई 15, 23, 31, 39, -10। अब यहाँ पर बच्चे देखेंगे कि हर संख्या के बीच में 8 का अंतर है। कहने का मतलब जो अंतर है वो समान है, और ऐसी स्थिति में जब हमारी श्रेणी के संख्याओं के बीच में समान अंतर होता है तो श्रेणी समान होती है। चूँकि प्रत्येक किलोमीटर के बीच में किराए का अंतर समान है, अतः श्रेणी AP में है। बताइए AP में है, बस खत्म। दूसरे को देख, समझिए क्वेश्चन। किसी बैलन में उपस्थित हवा की मात्रा, जबकि बाहर निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बैलन की शेष हवा का 1/4 बार बाहर निकाल देता है। एक बैलन है, माना बैलन का कुल आयतन बराबर 12x, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो पहली बार 1/4, जब एक बार खोला जाता है तो पहली बार में 1/4 निकल जाता है। 1/4 भाग निकालने पर ये हो जाएगा 12x/4, तो हो गया 3x, 3x निकल गया, शेष भाग तो 12x - 3x = 9x हो गया। दोबारा या दूसरी बार जब खोलेंगे तो जो बचा है उसका 1/4 निकल जाएगा, 9x * 1/4 = 9/4x, तो शेष बराबर 9x - 9/4x 36x - 9x/4, तो ये हो गया 27x। तीसरी बार
खोलने पर, मतलब हर बार जितनी बार वो खोला जाएगा उसमें से एक चौथाई जो बचा है निकल जाएगा। हो गया 27/4x शेष बराबर 27x-27/4x 27 चौका 108 -27x 4 ये आ गया। श्रेणी क्या बनेगी आपकी, पहले 12x था फिर घट के बच गया 9x, 9x के बाद फिर बच गया 9/4 27x/4 ये 16 हो जाएगा, 4 आएगा यहाँ 16 आ जाएगा, ये हो गया 16। से गुणा करोगे 27x 108 आएगा, तो ये हो गया यहाँ पे 16। ठीक है, तो 12x 9x 27/4x और 81/16x। अब यहाँ पे देखो डिफरेंस आ रहा है, पहली बार डिफरेंस 3 का आया, d1 बराबर आ गया कितना 3x और d2 बराबर आ है यहाँ पे पहला, ये पहला हो गया D1, ये हो गया D2 और ये हो गया D3। D2 ये है, ठीक है, D2/9/4 हो गया। चूंकि D1 इज नॉट इक्वल टू D2 अतः AP में नहीं है, समझ गए। तो इस तरह से हम क्वेश्चन को निकाल सकते हैं। अगला इसका तीसरा पार्ट ये है, एक कुआं खोदना है, पहले मीटर का खुदाई का खर्चा 150 है, उसके आगे जितने मीटर खोदा जाता है उसमें 50 रुपये बढ़ते जाते हैं। ठीक है, तो ये AP में है कि नहीं है ये निकाल देते हैं। एक मीटर खुदाई का खर्च भाड़ा मतलब कितना है 150 रुपया, इसके आगे प्रति किलोमीटर प्रति मीटर का भाड़ा रबर 50 रुपये। तो एक मीटर खुदाई किया तो 150 हो गया, 2 मीटर की खुदाई का भाड़ा बराबर 150 यह है, 50 और जुड़ गया कितना हो गया 200 रुपये। 3 मीटर की खुदाई का भाड़ा बराबर 200 150 ये है, 50+50 बराबर 250 मीटर। 4 मीटर की खुदाई का भाड़ा यहाँ 50 ही बढ़ रहा है, 250 ये हो गया, इसके आगे 50 और बढ़ जाएगा, चाहे ऐसे बारी बारी करके लिख लो चाहे इकट्ठे लिख लो, श्रेणी बन गई बच्चों। तो ये हो गया 150 200 250 300। तो चूँकि अब ये D1 है, यही हमारा D1 है, हर बार 50 ही बढ़ रहा है, तो D1 चूँकि D1 बराबर D2 बराबर 50, श्रेणी AP में है। ठीक, अब हम इसका चौथा पार्ट करेंगे।
खाते में प्रत्येक वर्ष मिश्र धन मूलधन 10,000 की राशि पर 8% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की राशि जमा की जाती है। यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज है तो एक बात उदाहरण में आपको बता दूं बच्चों, जब साधारण ब्याज होता है तो साधारण ब्याज किसी भी राशि का जो साधारण ब्याज होता है एक समान दर से एक समान अंतर के हिसाब से बढ़ता है। अगर 1,000 का 10% ब्याज है साधारण ब्याज तो एक साल का 1,000 होगा, दो साल का फिर 2,000 हो जाएगा, 1,000 और बढ़ जाएगा, 3 साल का 3,000 बढ़ जाएगा, इस तरह से बढ़ता जाता है। लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है कि पहले साल का ब्याज तो सेम होता है, दूसरे साल जो ब्याज होता है वो मूलधन में जुड़ जाता है और फिर उस पूरे पे ब्याज लगता है, तीसरी साल दूसरे साल का भी ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है। तो ये इस तरह से जो आपका ब्याज होगा वो बढ़ता चला जाता है। तो हमेशा जो साधारण ब्याज होता है इसको उदाहरण में याद रखना, वो समांतर श्रेणी में होता है, लेकिन जो चक्रवृद्धि ब्याज होता है वो एपी में नहीं होता। तो यहाँ पर मूलधन बराबर 10,000, दर बराबर 8% पर एनम सालाना वार्षिक 10% वार्षिक 8% वार्षिक भी लिख सकते हो हिंदी में, ठीक है। समय है 1, 2, 3 इस तरह से निश्चित टाइम के लिए है। तो एक वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला a बराबर पी 1+R/100 की पावर n माइनस पी। तो यहाँ पर जो है आपका मिश्रधन निकाल लो, पहले उसका मिश्रधन के बाद धन आ जाता है, या साधारण ब्याज निकाल लो तब भी निकल जाएगा। पहले वर्ष का ब्याज ऐसे डायरेक्ट निकाल लो, पहले वर्ष का ब्याज बराबर पी गुड़े आर और 80/100 हो गया 10,000। समय 1/100 कितने हो गए 800 रुपये, ठीक है। दूसरे वर्ष का मूलधन, अब मूलधन क्या हो, ये तो ब्याज हो गया, मूलधन बराबर ये पहले साल का मूलधन मतलब P1+ ब्याज। P1 कितना था हमारा, 10,000 था, 800 ये भी जुड़ जाएगा, 10,800, ठीक है। दूसरे वर्ष का ब्याज जो ब्याज आप निकालेंगे तो ये वही होगा P/R/80/100। पी आपका 10,800 है, आर 8 है, गुड़े 1/100 864 यहाँ अंतर आ गया। तीसरे वर्ष का मूलधन बराबर 10,800 + 864 ये जुड़ जाएगा, 8, 8, 16, 11 से 11,664 ये हो गया कि तीसरे वर्ष का ब्याज। समझ में आ रहा बच्चों, पी हो जाएगा वही फार्मूला P/R/80/100 और पी आपका है 11,664 गुड़े 8 गुड़े 1/100। 100 से कटेगा तो नहीं तो भाग दे दो, ये बन जाएगा 11,116.68 गुड़े 8, दो जीरो हटा के यहाँ दो दो दशमलव लगा दो, 8, 8, 64, 8, 6, 48, 6, 54, 8, 8, 64, 8, 6, 48, 6, 54,
इससे बढ़ गया। अब देखो ये हो गया D1, ये आपका ब्याज है पहले साल का, ये दूसरे साल का, ये तीसरे साल का ब्याज में अंतर है। चूंकि प्रत्येक वर्ष ब्याज का अंतर असमान है, ये बीमी नहीं है, ठीक है। समझिए बच्चों, तो इस तरह से हम समीकरण के क्वेश्चंस को आगे बड़ी आसानी से हम पता कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके जो क्वेश्चन दिया है उस हिसाब से उसके समीकरण को बनाएंगे, मतलब श्रेणी को बनाएंगे, श्रेणी के बाद ही हमें